और बात राजस्थान के अलवर की करते हैं। अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चढ़ाने के मामले में राजस्थान सरकार एक्शन में है। इस मामले में पहली कार्रवाई करते हुए सरकार ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और एसडीएम समेत 3 लोगों को निलंबित किया है। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर, ये गया मंदिर। जब मामला मंदिर का ढहाने का हो, सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। जिस घटना पर ग्राउंड जीरो से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हो, जिस घटना पर देश का सियासी पारा चरम पर, उस पर एक्शन तो होना ही था। अतिक्रमण हटाने और विकास के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर चलाना राजस्थान के राजगढ़ के 3 अधिकारियों को भारी पड़ गया। अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिर ढहाने के मामले में भारी विरोध के बाद एक्टिव मोड में आते हुए राजस्थान सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा, नगर पालिका के अधिकारी बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दोहारिया को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच कल ही शुरू हुई है और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर इन पर निलंबन की गाज गिरी है। अब जरा 17 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। राजगढ़ के सराय बाजार में ये नगर पालिका के बुलडोजर एक्शन की तस्वीर है। अतिक्रमण के आरोप में 3 मंदिरों और 86 लोगों के मकान और दुकान बुलडोजर से तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि एक मंदिर तो करीब 300 साल पुराना था। दुकानों और मकानों के गिरने का गुस्सा तो था, लेकिन आस्था का मंदिर जब बुलडोजर की लपेट में आ गया तो मामला भावनात्मक हो गया और शुरू हो गया बवाल। स्थानीय लोगों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार शाम स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब बच्चों को कहां लेके नहीं जाएं, सब टूटे फूटे मकानों में कहां जाए, ना ऊपर जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कोई तो सुने हमारी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कि हमको न्याय मिले, हमको है ना मुआवजा मिले, जो पीड़ित है उनको घर मिले, सबके लिए न्याय हो, इसलिए निकाला और उनको जो है उनको सस्पेंड करा जाए। तो लोग बेघर हो गए हैं, उनके घरों में कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। क्या वो एक रात आए भी तोड़ने के बाद, वो एक रात हमारे बाहर निकल के देखा भी कि वो लोग कैसे रह रहे हैं। जाहिर है इसका असर हुआ और सरकार को फौरी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस कार्रवाई पर भी सियासी सिर फुटव्वल तय है, क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दोहारिया बीजेपी के हैं। बीजेपी का कहना है कि दोहारिया ने मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया था, तो कार्रवाई क्यों? इस बीच बीजेपी के एक जांच दल ने अलवर के राजगढ़ में अपनी जांच पूरी करने के बाद कल जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात की। बीजेपी ने मंदिर तोड़ने के मामले में गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार से माफी की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि जब मंदिरों को ढहाने का फैसला लिया गया तो उस बैठक में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा मौजूद थे। अशोक गहलोत केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में है, वहाँ के अधिकारी लोगों पर कोई अत्याचार करें, अन्याय करें, गालियां निकालें, कुछ भी करें, इसलिए राजस्थान के अंदर प्रशासन स्वतंत्र हो चुका है, मुख्यमंत्री का नियंत्रण खत्म हो चुका है, न उनके एमएलए पर कंट्रोल है, न मंत्री पर कंट्रोल है, न प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल है। जाहिर है ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक मंदिर ढहाने का फैसला लेने वाले नगर पालिका बोर्ड की अगुवाई बीजेपी के हाथ में है। उधर जब बीजेपी सांसद से पूछा गया कि वसुंधरा राज में जयपुर के आसपास करीब 100 मंदिर तोड़े गए, तब क्यों नहीं कोई सवाल उठा, तो सुनिए उनका जवाब। प्रक्रिया और शब्दों में बड़ा अंतर होता है। मंदिर हटाने में और मंदिर तोड़ने में रात दिन का फर्क है। हमारे समय में किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, किसी मूर्ति पर हमने बुलडोजर नहीं चलाया,
मंदिरों को हटाया। मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मंदिरों को हटाया, वहां से मूर्ति हटाई, उनको भी स्थापित किया, उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था की। सियासत तेज है। उधर कल राजगढ़ में डीएम के दौरान पुलिस ने डिमोलिशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां फटकारी। जाहिर है ये मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है। अलवर से देव अंकुर और संतोष शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।